Print.in में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र द्विवेदी के साथ अनंत प्रकाश पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण जिले में कल यानी 7 नवंबर को 6 विधानसभाओं में चुनाव की पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने कर ली है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए मतदान कर्मी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ रवाना होने लगे हैं। इन क्षेत्रों में कुल 17,81,681 मतदाता कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनके लिए 2,569 बूथ बनाए गए हैं। बताते चले कि इन 6 विधानसभाओं में जिसमें मोतिहारी में 3,13,761, सुगौली में 2,86,765, रक्सौल के में 2,77,659, नरकटिया में 2,87,707, चिरैया में 2,94,947 और ढाका में 3,20,842 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इन 6 विधानसभाओं में कुल 88 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनका भाग का फैसला मतदाता करेंगे। सबसे ज़्यादा गौरतलब बात यह है कि चिरैया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां 24 प्रत्याशी हैं, जिसके कारण चुनाव आयोग को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है और सभी बूथों पर दो दो ईवीएम की व्यवस्था करनी पड़ रही है। Music Studio. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।